हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल, और जो वो फेशियल है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये है अरोमा मैजिक का ब्राइडल ग्लो फेशियल। काफी अच्छा फेशियल होता है ये, और मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से आता है। देखिए इस तरीके से आता है, इसके अंदर आपको 5 फेशियल मिलेंगे, 5 फेशियल की पूरी किट है ये। एक एक फेशियल में आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये आप लोगों को रिसीव होंगे, इस तरीके के आपको 5 फेशियल मिलेंगे। काफी अच्छा फेशियल, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर ये पाउच निकलते हैं। देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये पाउच निकलेंगे, और इन पाउच को हमें बहुत अच्छे से करना होता है। और इसके अंदर निकलता है एक सीरम, इस तरीके से देखिए इसका एक सीरम भी निकलता है। तो ये जो फेशियल किट है ये काफी अच्छी फेशियल किट है, ब्राइडल के लिए बहुत ही बेस्ट फेशियल किट है। और जो ये फंक्शन अब आ रहे हैं उन फंक्शन में भी आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं, इसको आप करवा चौथ पे इसको कर सकते हैं। शादी के लिए, ब्राइडल के लिए तो ये है ही है, बल्कि हम लोग भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं किसी भी अच्छे फंक्शन में। दीपावली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, और भी बहुत सारे फंक्शन आते रहते हैं। ये 7 स्टेप की फेशियल किट है, काफी अच्छी किट है, एक बार यूज करके जरूर देखिएगा। और चलिए इसको स्टार्ट करती हूँ मैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि किस तरीके से हमें ये यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल इसकी मैं देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप है इसका फेस क्लींजर। उसको करने से पहले हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है नॉर्मल पानी से, और मैं आपको बता दूं उसके बाद में हम लोग क्लींजर से अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर आई हूँ। दशहरा आ गया है, और आज है 7 अक्टूबर, और आज बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है पर्पल पर। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, 60% डिस्काउंट है आज काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर। जो मैं आपके सामने ये किट यूज़ कर रही हूँ अरोमा मैजिक की, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम। प्लम के ऊपर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, निविया पर भी चल रहा है, VLCC पर भी चल रहा है, कामा आयुर्वेदा पर भी चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं जिनको आप बाय करके अपनी स्किन की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। और उन सभी प्रोडक्ट को मैं काफ़ी वीडियो में अपनी यूज़ कर करके आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है। और मैं आपको बता दूं अगर आप 999 का आज परचेजिंग करते हैं तो आप लोगों को ज्वेलरी जीतने का भी मौका मिलता है, तो काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप बिल्कुल आज के ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाइएगा। ये ऑफ़र्स बार बार नहीं आते हैं, दशहरा पर आप लोगों को मिल रहा है ये ऑफ़र, तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि आप लोग मुझसे काफ़ी पूछते रहते हैं कि मैम काफ़ी कॉस्टली है ये प्रोडक्ट जो आप मुझे यूज़ करके दिखाती हैं, तो आज इतना अच्छा डिस्काउंट इनके ऊपर चल रहा है तो आप बिल्कुल इनको बाय कर सकते हैं। और ये फेशियल किट जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छी है, ब्राइडल के लिए भी बहुत अच्छी है, और आप लोग अगर नॉर्मली भी इसको यूज़ करना चाहें तब भी ये बहुत अच्छी है। और पार्टी वगैरह आ रही हैं, काफ़ी मतलब फेस्टिवल आ रहे हैं, उन पर भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्लिनजिंग मैंने कर ली, 5 मिनट मैंने अपने फेस पर नॉर्मल अपना क्लिनजर यूज़ किया जैसे हम लोग करते हैं। और उसके बाद में अब इसका जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा एक जेल। काफ़ी अच्छे फेशियल किट है ये, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आती है, बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को एक तरीके की फ्रेशनेस फील होगी। अब आप देख सकते हैं अब इसका सेकंड स्टेप है जेल। जेल जो होता है वो आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से कूल इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छे से आपका सन टैन वगैरह जो होता है उसको रिमूव करता है। तो इस तरीके से ही देखिए मैं जेल यूज़ करूँगी, और ये जेल जो है इसको जब मैं यूज़ कर रही थी इतनी प्यारी खुशबू है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपको देखिए इस तरीके से आप इसको, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये निकल रहा है, पाउच बेस्ड फेशियल किट है, आपको हाइजीनिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। 5 फेशियल आपको इस किट के अंदर मिल रहे हैं, और हर फेशियल के अंदर 7 स्टेप हैं। काफ़ी अच्छी फेशियल किट है, काफ़ी हाइजीनिंग का भी ध्यान रखा है क्योंकि पाउच बेस है। और इसी तरीके से देखिए आप लोग अपने फेस पर जेल की मसाज करें, और जेल जो है वो बहुत जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको ओनली फॉर 5 से 7 मिनट करना है जितनी देर में ये एब्जॉर्ब हो जाए। और बहुत ही कम पानी यूज़ करेंगे, एक दो बार हम लोग ले सकते हैं पानी क्योंकि बहुत ही जल्दी स्किन के अंदर जाता है जेल, बट ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, बहुत आराम आराम से आप अपनी फेशियल को जो है वो करते चले जाइए। देखिए इस तरीके से ही नेक का फेस पे, मतलब जो आप पार्ट हैं आपके जैसे नेक की एरिया हो गई और बैक वगैरह भी हो गई, उसको भी देखिए अगर हम सेल्फ में करते हैं तो हम बैक वगैरह नहीं कर पाते हैं अपनी, बट हमारा कोई दूसरा अगर फेशियल करता है तो काफ़ी अच्छे से बैक वगैरह भी हो जाती है। बट आप लोग अगर खुद भी कर रहे हैं तो नेक वगैरह पर बहुत अच्छे से हाथ चलाइए, बहुत अच्छे से मसाज कीजिए।
और उसके बाद में देखिए जेल की मसाज ऑलमोस्ट डन है इस टाइम। और इसी तरीके से देखिए बहुत आराम आराम से बहुत ही कूल काम होके और आपकी स्किन के अंदर ये इतना अच्छे से चला जाएगा। और उसके बाद में जो इसका थर्ड स्टेप है वो है सीरम। और सीरम को तो आपको पता ही है कि ओनली फॉर हमें फेस पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना होता है और मसाज करनी होती है हल्की सी। तो बस इसी तरीके से देखिए मेरे जो जेल है वो बहुत अच्छे से उसकी मसाज हो गई है और मुझे खुद को करने में इतना अच्छा लग रहा था, बट इस फेशियल को अगर आप किसी और से कराएंगे तब और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मेरी जेल की मसाज जो है वो ऑलमोस्ट डन है और अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और मैं हर स्टेप के बाद में अपना फेस धुल रही हूँ। आपको भी हर स्टेप के बाद आप अपना फेस धुलिएगा क्योंकि मतलब एक के बाद एक स्टेप अगर हम करते रहेंगे तो एक दूसरे में वो मिक्स हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फेस को धुलकर आ गई हूँ और अब मैं यूज़ करूँगी जेल। तो ये जो जेल है ये आपको एक कांच की बोतल में मिला है छोटी सी, तो आपको इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो मैं इसको तोड़ के लेके आई थी किसी चीज़ से। तो बहुत केयरफुली तोड़िएगा और इस तरीके से देखिए इसके अंदर काफ़ी सारा सीरम निकलता है और वो हमें अपनी फेस पर बहुत अच्छे से लगा के छोड़ देना है। मसाज करनी है बट बहुत हल्के से हाथ से मसाज करनी है, बिल्कुल भी तेज़ हाथ से मसाज नहीं करनी है। और ये हमें लगभग कम से कम 3 से 4 मिनट अपने फेस स्किन पर छोड़ देना है ये। और मैं इसको जब लगा रही थी तो मेरा नेल्स जो है वो बार बार दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको हमें हल्का हल्का सा लगाना है और अपनी स्किन पर लगाकर छोड़ देना है। इसी तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरे फेस नेक सब पे इसको लगाइए बहुत अच्छे से और उसके बाद में इसको आप छोड़ दीजिए। 3 से 4 मिनट अपने फेस पर इसको छोड़ देना है। और मेरे नेल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये फेशियल वगैरह करने में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हों तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि नेल्स को ना कट कर लें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं ये। बट मुझे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी होती हैं, आप लोगों को बतानी होती हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को अपने ही हाथ से करके दिखाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास कमेंट यही आते हैं कि मैम हम लोग घर पे फेशियल कैसे करें। तो देखिए इस तरीके से आप इजीली घर पर कर सकते हैं, बट नेल्स वगैरह अगर किसी के बड़े होते हैं तो फिर उसको मेरी तरह ही थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। तो मैंने ये 3 से 4 मिनट अपने फेस पर लगा कर छोड़ दिया है और मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ इसकी, बिल्कुल भी तेज़ हाथ से मसाज नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी, इसके बाद में जो मसाज क्रीम है मैं उसको डायरेक्ट लगाऊँगी अपने फेस पर और सीरम जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि स्किन के अंदर बहुत जल्दी। तो इसी तरीके से हम लोग जो मसाज क्रीम है उसको यूज़ करेंगे, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो मसाज क्रीम है। काफ़ी अच्छे से मैं अपने फेस पर इसको लगाऊंगी और उसके बाद में मैं इसकी मसाज करूंगी। मसाज क्रीम जो है उसकी आपको कम से कम 10 मिनट अपने फेस पर मसाज करनी है और उसको बहुत अच्छे से आपको स्किन के अंदर पेरिटेट कर देना है। तो इस तरीके से ही मैं इससे मसाज करूंगी, बहुत अच्छे से अपने स्किन के अंदर इसको बहुत अच्छे से पेरिटेट कर दूंगी। और मुझे ये फेशियल करना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी थी और बहुत ही अच्छा इंस्टेंट ग्लो दिया इस फेशियल ने मेरी स्किन पर। और रिज़ल्ट आप लोग देखिए, हैंड टू हैंड देखिएगा। काफ़ी कमेंट आप लोग मुझे करते हैं कि आपकी स्किन इतनी हेल्दी कैसे रहती है मैम, तो प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए। तो देखिए आज मैंने आपके साथ में काफ़ी कुछ शेयर करने की कोशिश की है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करना बताती हूँ, मेरे चैनल पर आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाएगा तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत इजीली आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से ही आप क्रीम से बहुत अच्छे अच्छे स्टेप डाल सकते हैं, टाइटनिंग के सारे स्टेप डाल सकते हैं, बहुत रिलैक्स होकर अपना फेशियल करिए, बहुत अच्छे से मसाज करिए। अगर आप 30+ हैं तो आप टाइटनिंग वाले स्टेप भी ज़रूर डालिएगा और अगर आप 30+ नहीं हैं और 20+ हैं या 25+ हैं तो आपको टाइटनिंग के स्टेप डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जो फेशियल के स्टेप होते हैं वही आपको यूज़ करना है। और इस तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरा जो क्रीम वाला मसाज थी वो भी ऑलमोस्ट डन है। और अब इसके बाद में मैं लगाऊंगी पैक। तो पैक हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं फेस क्लीन कर रही हूँ। पैक जो हमें लगाना है वो हमें 5th और 6th स्टेप जो इसके अंदर दिया है उसको दोनों को एक दूसरे के साथ में मिक्स करना है और उसके बाद हम लोगों को वो पैक मिक्स करने के बाद में यूज़ करना है। तो अभी मैं क्रीम के बाद फेस धुल के आ गई, उसके बाद मैंने अपना फेस को बहुत अच्छे से वॉश किया है क्योंकि पैक लगाने से पहले हमें बहुत अच्छे से अपना फेस वॉश करना चाहिए पानी से। उसके बाद में मैं ये दोनों जो स्टेप हैं 5 और 6 स्टेप जो हैं काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर लिखा हुआ होता है सारा कुछ, ये मैं एक बाउल में दोनों स्टेप को एक दूसरे के साथ में मिक्स कर लूँगी। इसमें एक क्रीम बेस है और एक जेल बेस है और मैं लगा लूँगी इसको फेस पर, दोनों को मिक्स करके ब्रश की सहायता से मैं अपने फेस पर लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से ही फेस पर मैं लगा लूँगी काफ़ी अच्छे से और इसको लगाकर हमें 10 से 15 मिनट रोकना है अपने फेस पे। और मैं आपको बता दूंगा गाइस ये सूखता नहीं है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, ये ऐसी क्रीमी क्रीमी आपके फेस पर रहेगा,
क्योंकि ये जो फिफ्थ और सिक्स स्टेप थे, ये एक में जेल था और एक में हल्की सी क्रीम बेस था, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन के तैयार हुआ। वो हमने अपने फेस पर लगाया, उससे क्या होगा, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ये रिलैक्स करता है, बहुत अच्छे से एक शाइन ले आता है स्किन के अंदर। ये मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और अब मैं इसकी 5 से 10-15 मिनट मैंने ये रोका था अपने फेस पर, उसके बाद में मैंने इसकी मसाज की कम से कम 5 मिनट, और बहुत अच्छे से इसकी हमें जेंटली मसाज करनी है अपने फेस पर, और उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो फेशियल जो है वो ऑलमोस्ट डन है इस टाइम। काफ़ी अच्छा तरीका है ये फेशियल करने का। इसके अंदर आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ भी मिलता है, बट एक तरीके से मैंने आप लोगों को ये पूरा करके भी दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इस फेशियल को कर सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं अपने फेस को अब वॉश करके आ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फेस ग्लो मार रहा है, कितनी बढ़िया स्किन हो गई गाइज। सब कुछ आप लोगों के सामने है, आप बैक करके पहले की स्किन और अब की स्किन में फ़र्क देख सकते हैं। अब जो इसका 7 स्टेप आया है वो है एक सनस्क्रीन लोशन, ये हमें बाद में लगाना है फेशियल इनफ होने के बाद। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैं ये इसको लगाऊंगी, और मैंने ये नहाने से पहले किया है फेशियल, तो मुझे नहाने भी जाना है। तो अभी मैं नहा के आने के बाद आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी गाइस, कितनी प्यारी स्किन हो गई थी। और ये जो सनस्क्रीन लोशन है इसको मैंने लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी फेस पर रखा था, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी। और ये हमें लगा के अंदर पेनिट्रेट कर देना है, बहुत जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो रहा था स्किन के अंदर। और ये सनस्क्रीन लोशन है जिससे कि आपकी स्किन को ये सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, और आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो ले आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम कितनी प्यारी स्किन हो रही है, और मुझे अपना ये फेशियल जो है वो बहुत प्यारा लगा, काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट लगा। तो आप लोग इस टाइम पे देख सकते हैं कितनी प्यारी स्किन हो गई है मेरी। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिए कितनी प्यारी स्किन हो गई है। और अब जाऊँगी मैं नहाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो मैं आ गई हूँ अभी बिल्कुल नहाकर, और मैंने जो फेशियल किया था वो अरोमा मैजिक का था, काफ़ी अच्छा फेशियल है। उसके बाद में अब मैं नहाने के बाद में अपनी स्किन पर लगाऊंगी प्लम का फेस मिस्ट, काफ़ी अच्छा फेस मिस्ट होता है, बहुत ही रिफ्रेश कर देता है आपकी स्किन को, बहुत ही अंदर तक बहुत ही अच्छे से ना कूलिंग इफेक्ट आता है आपको। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है प्लम के जो फेस मिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्लम के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी मैं इसको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस पर निव्या सॉफ्ट। मेरे को काफ़ी मतलब सूट करती है ये क्रीम, मॉइस्चराइजर है ये एक तरीके का, काफ़ी अच्छे से सूट करता है। थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि इतनी वो निव्या की क्रीम लगाऊंगी मैं, काफ़ी अच्छी होती है निव्या सॉफ्ट, और निव्या के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और इस तरीके से देखिए अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज करिए जब भी फेशियल कर रहे हैं, सीरम वगैरह भी यूज कर सकते हैं आप लोग, बट मैं घर पे ही हूँ आज, तो मैं ऐसा कुछ अभी यूज करने के मूड में नहीं हूँ। तो मैंने ये बहुत ही वाह, और अब मैं लिप्स के लिए यूज करूंगी लिप बाम, ये है लिप क्रियोन, ये निव्या का लिप क्रियोन है, काफी अच्छा लिप क्रियोन होता है, काफी पिगमेंटेड होता है, आपके होंठों पे ना एक बहुत अच्छी सी लेयर लगा देता है, मॉइस्चराइज करता है आपके होंठों को, और आपके होंठों को ना फटने से बचाता है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से इस पे लिप्स की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस टाइम स्किन की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फेशियल आज का बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे लगा कि मैं फेशियल करने के बाद में अपनी स्किन की किस तरीके से केयर करती हूँ वो भी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो पहले मैंने आज सुबह में फेशियल किया था, उसके बाद में मैं अपने नहाने के लिए गई हेयर वॉश वगैरह किया, फिर उसके बाद में आके अब मैंने ये प्लम का फेस मिस्ट लगाया, उसके बाद मैंने निव्या सॉफ्ट लगाई, और उसके बाद में लिप क्रियोन लगाया। तो मेरी जो स्किन केयर है वो बहुत अच्छे से हो गई है आज की, और ये जो फेशियल है ये काफी अच्छा फेशियल है, ब्राइडल के लिए बेस्ट फेशियल है, और बहुत ही ग्लो आता है इससे। आप लोगों ने देखा ये बिल्कुल अभी हुआ है मेरे, और कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। तो अभी 3-4 दिन बाद ये और अच्छे से ग्लो करेगा, और मेरी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट रहेगी। तो आप लोग बहुत पूछते हो मुझसे कि हम ऐसा क्या करती हैं आप जो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग, इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी सी रहती है, तो मैं बस यही करती हूँ, मैं अपनी स्किन पे बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, अपनी स्किन की स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ अपनी। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये चीजें करनी चाहिए, और मेरे चैनल पर स्किन केयर, हेयर केयर की बहुत वीडियो है,
अगर आप लोगों को हेयर केयर से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियो हैं हेयर केयर और ब्राइडल मेकअप की, ब्राइडल हेयर स्टाइल की, ब्राइडल पार्टीवेयर मेकअप की, पार्टीवेयर हेयर स्टाइल की, क्लोथिंग आइटम मतलब के कपड़ों के भी रिव्यू करती हूँ मैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मेरे पास आते रहते हैं क्लोथिंग प्रोडक्ट, उनके भी रिव्यू करती हूँ। जैसे कि लहंगे वगैरह होते हैं, ब्राइडल लहंगे वगैरह भी होते हैं, काफी सारे चीजों का मैं रिव्यू करती हूँ अपने चैनल पर और काफी अच्छे से स्किन केयर, हेयर केयर भी दिखाती हूँ, काफी अच्छी अच्छी कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा चैनल काफी पसंद आता है और आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते हैं। तो अगर चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और बहुत अच्छे से आप लोग मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा एक चैनल और है पूजा यश चौधरी के नाम से, वो मेरा होम ब्लॉगिंग चैनल है। उस पर मैं आपको अपनी लाइफ दिखाती हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ, मतलब मेरी लाइफ में क्या चलता है, किस तरीके से मैं अपने बच्चों को, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को और किस तरीके से मैं अपने पार्लर को रन करती हूँ, या अपने इतने मेरे यूट्यूब चैनल है दो दो उनको किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको उस चैनल पर शेयर करती हूँ और उसका लिंक मैं हमेशा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, बिल्कुल ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज एक बार विजिट करके देखिएगा जरूर, और अच्छा लगे वो चैनल भी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा जरूर कि ये फेशियल आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय।